दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो के जरिए RCFL रिक्रूटमेंट 2018 के विषय में। जी हाँ, 50 पदों पर निकली भर्ती ऑपरेटर ट्रेनी की। ऑनलाइन करें आवेदन, क्या है आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। जैसा कि दोस्तों, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ने ऑपरेटर ट्रेनी की भर्ती के लिए 50 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इसलिए जो भी उम्मीदवार RCFL के अंदर नौकरी करना चाहते हैं उसके लिए एक अच्छा मौका है और इच्छुक उम्मीदवार 27 जून 2018 से 14 जुलाई 2018 तक आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि 14 जुलाई 2018 आवेदन करने की अंतिम तिथि है और उसके बाद आवेदन नहीं कर सकते हैं। और जो भी उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं वो पहले नोटिफिकेशन के अंदर भर्ती से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़े, उसके बाद योग्यता पूरी हो तो फॉर्म अप्लाई करें और भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी जैसे कि शिक्षा योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और आवेदन कैसे करें, महत्वपूर्ण लिंक, पाठ्यक्रम, प्रवेश पत्र, परिणाम की जानकारी हमारे इस वीडियो के जरिए दी गई है। जैसा कि दोस्तों, बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट डिटेल के विषय में। तो पहला आता है एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, जो कि 27 जून 2018। तो वहीं आता है लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, 14 जुलाई 2018। तो वहीं एडमिट कार्ड रिलीज होने की डेट है एग्जाम से 10-15 दिन पहले। तो वहीं एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है। जैसा कि अब जान लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर्स डिटेल के विषय में। तो बता दें, पद का जो नाम है वो है ऑपरेटर ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो वहीं बात की जाए पदों की कुल संख्या की, तो 50 पद कुल रिक्त हैं। तो वहीं आवेदन के तरीके की बात करें तो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। अब बता दें आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट, जो की www.rcfltd.com। अब जान लेते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल। तो इसमें पहला आता है शैक्षणिक योग्यता। जी हाँ, आवेदनकर्ता को पूर्णकालिक और नियमित बीएससी रसायन विज्ञान भौतिकी के साथ डिग्री पिछले वर्ष में न्यूनतम 50% अंक और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी उम्मीदवारों के लिए 45% बीएससी रसायन विज्ञान डिग्री कोर्स के औसत कुल 2 सेमेस्टर। जी हाँ, बीएससी रसायन विज्ञान डिग्री उत्तीर्ण होने के बाद AOCP व्यापार में NCVT को पूरा किया जाना आवश्यक है। तो वही बात की जाए आयु सीमा की, तो बता दें आपको जैसे कि सभी आवेदनकर्ता उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है वो है 27 वर्ष। इसके अलावा आयु सीमा के लिए अधिक जानकारी के लिए आप अधिकारी अधिसूचना देखना ना भूलें। जैसा कि आप जान लेते हैं क्या है सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल। तो बता दें आपको सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर चयन प्रक्रिया अलग अलग होती है। जैसे कि जो भी आवेदक RCFL ऑपरेटर ट्रेनी भर्ती 2018 के लिए आवेदन कर रहे हैं उनका चयन 3 प्रक्रिया में पूर्ण किया जाएगा। पहला है लिखित परीक्षा रिटन टेस्ट और दूसरा है व्यापार प्रशिक्षण यानी कि ट्रेड टेस्ट और तीसरा है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट। अब बात कर लेते हैं क्या है आवेदन राशि। तो बता दें आपको यदि कोई भी सरकारी नौकरी के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भुगतान करना पड़ता है। जो RCFL ऑपरेटर ट्रेनी भर्ती 2018 के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन उम्मीदवारों को फीस के तौर पर निम्न राशि के आवेदन का भुगतान करना होगा, जो कि जनरल अथवा OBC वर्ग के लिए उम्मीदवारों को 500 रुपए, तो वहीं SC ST PWD वर्ग के उम्मीदवारों का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। तो वहीं आखिर में जान लेते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो बता दें आपको RCFL ऑपरेटर ट्रेनी भर्ती 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। तो जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको फॉर्म की दुकान से फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें और अपने घर से ही अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है www.rcfltd.com। उसके बाद RCFL भर्ती लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद आवेदन पत्र भरें तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करें। अंतिम सबमिशन के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें, उसके बाद भविष्य के उपयोग के लिए अपना फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें। जैसा कि दोस्तों, अभी के लिए इस रिपोर्ट पे बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी रिक्रूटमेंट से जुड़ी खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।